हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्जन देखे थे पाइथन के। एंड आज की क्लास में हम लोग पाइथन के फीचर्स को देखने वाले हैं। तो पहला फीचर्स का ये कि इजी टू लर्न, मतलब पाइथन को सीखना काफी आसान है। सेकंड पॉइंट, पाइथन इज एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमारी है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि कोई भी आपने कोड लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे 4-5 लाइन का कोड लिखा मैंने, सो जो पाइथन का जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, जो पाइथन को रीड करेगा वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है या कोड मतलब लाइन को रीड करती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है, हमारी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराती है। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो आपने अपना कोड जो है वो पाइथन पे लिखा ऑन विंडोज मशीन पे, तो आपने विंडो पे अगर कोई प्रोग्राम बनाया और उसे अगर आप मैक पे चलाना चाहते हो, मैक पे, ठीक है, तो मैक के लिए आपको अलग से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कोड आपने विंडो पे लिखा था वही कोड आपका मैक पे रन कर जाएगा। सेम कोड आप लिनक्स पे चला सकते हैं, सेम कोड आप अलग ओएस पे चला सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आपने कोड लिख दिया पाइथन कोड, उसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब जिसमें डिपेंडेंसी ना हो किसी भी प्लेटफॉर्म की। ऐसा ना हो कि हमने कोई कोड विंडो पे लिखा है तो विंडो पे एग्जीक्यूट होगा, हमने अगर कोई मैक पे कोड लिखा है तो मैक के लिए ही बनाया स्पेशली, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक बार अगर आपने कोड लिख दिया तो उसको हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से रन कर सकें, उसे एग्जीक्यूट कर सकें। क्लियर। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं आगे, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि पाइथन जो है हमारी वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद ह्यूज लाइब्रेरी, तो पाइथन के पास हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म कराने के लिए पाइथन ने पहले से ही कुछ लाइब्रेरी बना रखी है, जो कि उस टास्क के लिए आपको बेसिक से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाइथन ने कुछ पहले से फंक्शंस बना रखे हैं, कुछ टूल्स बना रखे हैं, उन टूल्स का यूज करके आप उस फंक्शनलिटी को इजीली अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है वो एक इस पाइथन के, और ये आपको याद रखना है। पहला, इजी टू लर्न, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ह्यूज लाइब्रेरी एंड स्केलेबल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। बाक्ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।